चल रहा है, चौपट लगा हुआ है। तो आप देख सकते इतना खतरनाक रास्ता है गाइस, ऐसे रास्तों से आप बिल्कुल ना जाएं, है ना। हम लोग जन्म से ही खतरों के खिलाड़ी हैं, तो इसलिए हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं। आप लोग ऐसा करने का बिल्कुल प्रयास ना करें, हमारे तो खून में ही प्लेटिनियम भरा हुआ है। गाड़ी देखो बस काली जुबान में भाई, रवि का जुबान जो है ना काला जुबान है। और वहाँ से एक पहिए रोड में दो गाड़ी कैसे चलेंगे आपको हम दिखाएंगे। आप बताइए जाता है गाड़ी चले गई और यहाँ पर गाड़ी आ चुके हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। बहुत टाइम से कच्ची रास्तों पर चलने के बाद हमको ये मिला है पक्की रास्ता, है ना। तो अब इसके एंजॉय लेंगे और जल्दी से पहुंच जाएंगे सिरपुर। हम लोग गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग सिरपुर के लिए अभी निकल चुके हैं। हरदिडी डैम से होते हुए हम लोग जा रहे हैं सिरपुर, क्योंकि सिरपुर बहुत दिन हो गए गए नहीं है। दूर के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं। रास्ते में बीच में आप देख सकते हो सर जय हनुमान, यहाँ का नजारा देखे गाइस बहुत ही अच्छा है। जंगल है, जय जोहार संगवारी हो। फिर मैं आ गया हूँ आप मन के बीच। ऐसे कहाँ बड़े जन जगह है सिरपुर और सतपुड़ा के घने जंगल। आप मन सुने हो सतपुड़ा घना जंगल है, ये जंगल स्टार्ट होते आप मन बचपन में पढ़े हो सतपुड़ा घना जंगल ऐसी, तो वो सतपुड़ा घना जंगल ही आ रहा है। और यहाँ जम्मू प्रकार के गरवा गाय बेंद्रा टिक्का मेचका जानवर आप मन देखे बार मिल रही। रात में भगवा गला निकलते चार गोड़िया और आप मन लेके चला था त्रिपुर पापैरी के धार। महानदी है अपार इंद्रावती हा पखारे तोरे पैया। बावे पराओ तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। पहुंच चुके हैं यहाँ पर गार्डन जैसा कुछ बना हुआ है। और पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस कि यहाँ पर एक राजा का महल हुआ करता था। माफ कीजिएगा राजा का नाम हमें अभी पता नहीं है, हम आपको पता करके बता देंगे। यहाँ पर उसका महल हुआ करता था और इसके अंदर तो खैर ताला लगा हुआ है। मैं सोचा कि आप लोगों को सभी को दिखा दूँ तो चाहता था, बट यहाँ पर से हम लोग कूद के जा रहे हैं। अब चाहे जिंदगी ऐसी जी। दोस्तों फाइनली हम इसके अंदर आ चुके हैं, उस गेट को कूद करके हम लोग आ चुके हैं। अब आपको जल्दी से मैं यहाँ पर नज़ारा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक राजा का महल हुआ करता था, ये वो महल नहीं है और उस राजा का मैं आपको नाम बता दूंगा, देख सकते हो। इस पे बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा आगे। जो आप देख रहे हो यह पहले राजा का एक सिंहासन हुआ करता था, लोगों का मानना है पहले ये राजा का सिंहासन हुआ करता था। तो यहाँ का नज़ारा मैं पूरा दिखा चुका हूँ और रवि लोग वहाँ पर से पूछते रहे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर से जाएंगे, मैं उसके साथ थोड़ा सा प्रैंक कर दिया क्योंकि ये जो दरवाजा था खुला था और वो लोग खुद के यहाँ पर से गए हैं। फाइनली आगे चलने के बाद हमको एक सुनसान सा जगह मिल चुका है। यहाँ पर जो है रवि के जो पारंपरिक जो पहले से पीढ़ी चलते आ रहा है, इसमें एक काली माँ की मूर्ति की स्थापना किया गया था इसके घर। तो उस मूर्ति को यहाँ पर आसपास में लाया गया है, तो उसी को देखने के लिए हम लोग आए हैं। तो चले चलते हैं, उसको ढूंढते हैं, मिलता है कि नहीं तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आते हैं। तो सिरपुर गांव का नाम है और जो मंदिर है यहाँ पर है बगल में। डरावना जगह बता रहे हैं रवि कुमार साहू जी। संत आवास आश्रम और से भी रास्ता दिख रहा है, पता नहीं कहाँ जाता है। यहाँ पर राम भगवान की मूर्ति है और ये पता नहीं क्या चीज़ है। रवि का बोलना यह है कि यहाँ पर हो सकता है काली माँ की मूर्ति। जगह बहुत ही ज्यादा पुराना है, यहाँ पर यज्ञ वगैरह करने का भी बहुत से साधन है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पुराना है गाइस। चलिए निकला जाए यहाँ से। बताती भाई कि हमारे यहाँ पिताजी हैं मंदिर में, बड़े मंदिर के आसपास है। उतना ज्यादा नहीं था, कुछ भी दिखने का लायक नहीं था। वहाँ पर से निकल चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं धसकुन। धसकुन का ब्लॉग में डाल दिया हूँ, एक बार फिर से हम लोग जा रहे हैं धसकुन। ये है लक्ष्मण मंदिर, तो लक्ष्मण मंदिर यहीं पर है आगे में। अब आपको मैं बहुत ही बढ़िया नज़ारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं रेत घाट में, देख सकते हो नज़ारा बहुत ही बढ़िया। अरे अभी हम लोग पार्टी करने वाला है, तो पार्टी किस चीज का करें बताइए। मोटर रेस में बहुत ही ज्यादा मजा आया हमको, हम लोग जाएंगे उधर। तो सोच रहे थे कि बाइक को इधर ही लाएंगे, लेकिन लाने का कोई मतलब नहीं था। वो अब हम लोग जाने के लिए निकल चुके हैं धसकुंड, है ना। और धसकुंड का ये जो रास्ता आपको याद ही होगा, पिछले वाला ब्लॉग में नहीं देखे तो जाकर देख सकते हो। जो रास्ता आपको याद होगा गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं धसकुंड। ये नज़ारा तो आप सभी को याद ही होगा, ये जो रास्ता हम लोग आए थे पिछले बार, और ये रास्ता वहां तक जाता है, अंदर भी जाता है। तो चलिए इस भी ब्लॉग में हम आपको दिखा देंगे धसकुंड का नज़ारा। झरने जब बह रहे थे तब मैंने इसका ब्लॉग बनाया था, और अभी झरना जो है बंद है, तो इसका नज़ारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो भी शूट हो रहा है, तो भैया लोग यहाँ भी पहुँच गए पहले से। तो इतना ही यहाँ का नज़ारा, हम लोग यहाँ का जितना भी नज़ारा तो आपको दिखा चुके हैं। और आगे आपको देखना है तो मैंने धसकुंड प्रपात नाम का एक वीडियो बना कर रख दिया है, उसमें आप जाके देख सकते हो। बाकी इतना ही है यार, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा नहीं है घूमने के लायक। अब हम लोग चलेंगे, शाम भी हो गया है।